आदमी का चुनाव कर रहे हो, मैं नहीं हूँ। अगर कोई भी ऐसा है जिसको हर साल दिन पंद्रह दिन बीस दिन में पॉजिटिव करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, उस बिजनेस मेरा है और बिजनेस आपका भी है। इस बिजनेस में जो कर्तव्य मेरा बनता है वही आपका बनता है। जब मुझे किसी से मोटिवेशन नहीं चाहिए तो आपको किसी से मोटिवेशन क्यों चाहिए? बिजनेस तो सबका है। उसी तरीके से सोना बनाया नहीं जाता, निखारा जाता है। लेकिन सोना सोना ही, और वैसे ही लीडर बनाने के लिए आपको नहीं बुलाया गया, लीडर तो आप हो। लीडरों में लीडरशिप में निखार आता है, बनाने के लिए नहीं बुलाया गया। अगर आप सोचो कि मुझे लीडर बनाने के लिए बुलाया है तो गलत सोच रहे हो, क्योंकि लीडर कभी बनाया नहीं जाता, लीडर तो जो है वो ही है। और ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, जब तक अपने ने डंडा चढ़ाया उसको डंडा करता रहा, डांटता रहा, पीटता रहा, मोटिवेट करता रहा, तब तक तो बंदा सिल्वर भी बना, गोल्ड भी रहा बना, प्लेटिनम भी बना, एमराल्ड भी बना। अपराइन कहीं बिजी हो गया दूसरी टीम में इधर उधर, फिर उसका विकेट गिर गया। समझ रहा, वो डायमंड था नहीं, उसे कबूल करवाया जा लेकिन कभी भी आपका अपलाइन आपको मोटिवेट करने के लिए आए ऐसा मौका कभी मत देना। मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूं, और उम्मीद उसी से की जा सकती है जो उम्मीद करने के लायक होता है। मैं आपसे इसलिए उम्मीद कर सकता हूं कि आप उम्मीद करने के लायक हो, करनी चाहिए। मोटिवेट करने से मैं मोटिवेट हो रहा हूं, तो मैं तब तक ही मोटिवेट हूं जब तक किसी की जरूरत हो, जब तक किसी की जरूरत हो। समझ रहे हो? मेरे को कैबिन चाहिए 1.5 लाख रुपए का चाहिए। अगर मुझे कोई बोलेगा कि रात को 12 बजे आ, मैं आऊंगा उसके पास, मुझे कैबिन चाहिए यार। लेकिन जब मेरी कैबिन लग गई उसके बाद मैं उसके पास जाऊंगा जो मेरी पसंद है। आज के बाद अपलायन की मजबूरी नहीं बनना है, अपलायन की पसंद बनना है। अगर अपलायन की मजबूरी बने तो अपलायन आपके साथ तब तक काम करेगा जब तक आपसे अपलायन का चेक बने। अगर अपलायन की पसंद बने तो अपलायन आपके साथ जन्मों जन्मों तक काम करेगा, चाहे उससे फायदा हो। मजबूर कहते तो कोई भी रहता है, सर मैं काम कर रहा हूं आपका चेक नहीं बनता क्या? मित्रों कहते हैं ना सर, मैं आईडी भेजा हूं आपके चेक नहीं बनता क्या? नहीं, एक ग्रेटिट्यूड के साथ काम करना है। हम किसका चेक रोकेंगे और किसको चेक दिला सकते हैं? दोस्त हम तो हमारा चेक ही नहीं बना पा रहे, हम किसका चेक रोकेंगे? इस बात से निकालिएगा और आप ग्रेटिट्यूड का वाली भावना आपके अंदर आनी चाहिए। अप्रिशिएट कीजिएगा लोगों को, थैंक्स बोलिएगा, धन्यवाद दीजिएगा। हमारी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जिन जिनका रोल है ना, उन सबको धन्यवाद देने का जरूरत। हमें ऐसा लगता है कि मेरे आईडी भेजने से अपलाइन का चेक बनता, नहीं, कोरियर वाले का भी बनता है। जब आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए जूम पे मीटिंग करते हैं तो जूम वाला भी पैसे कमा रहा है, जब आप लोगों को फोन करते हैं तो रिलायंस और जियो वाला भी कमा रहा है, जब आप लाइट यूज करते हैं तो लाइट वाला भी कमा रहा है, जब आप जम्मू से बस लेके आए हैं तो बस वाले जो बाहर खड़े हैं ना, उन्होंने भी कमाया है, जब इस होटल में आप मीटिंग कर रहे हैं तो होटल वाला भी कमा रहा है, जब ये डीजे वाला यहां बजा रहा है तो डीजे वाला भी हमसे पैसे कमा रहा है।
यस या नो? यस। बस यही गलत फहमी आज के बाद निकाल दे दो। कोरियर वाला हमारी वजह से पैसे नहीं कमा रहा, हम कोरियर वाले की वजह से पैसे कमा रहे। कोरियर वाला अगर हमारे पैकेज टाइम पर डिलीवर नहीं करेगा तो हमारी टीम नेगेटिव हो जाएगी। हमारा बिजनेस कोरियर वाले की वजह से चल रहा है कि कोरियर वाले हमारी वजह से चल रहा है? आपके जम्मू के अंदर होटल अगर नहीं होगी तो आप मीटिंग कहां करोगे? लोगों को मोटिवेट कहां से करोगे? तो होटल वाला आपसे कमा रहे हैं, आप होटल वाले की वजह से कमा रहे हो। होटल वाले की वजह से अगर जूम जैसा एप्लीकेशन नहीं होती तो आप लोगों से क्या कोविड के अंदर आपस में मिल पाते? तो हमारा बिजनेस हमने बचा के रखा और बढ़ाया ये जूम की वजह से या हमारी वजह से जूम बढ़ा? जूम की वजह से हमारा बिजनेस बढ़ा है। ये साउंड वाला हमारी वजह से नहीं कमा रहा। अगर साउंड नहीं होता तो मैं और चार दिन की जो आपकी ट्रेनिंग है जान लगा लगा के थक पाते, लेकिन पीछे वालों तक एक आवाज जो माइक से जा सकती है उतनी अच्छी नहीं पहुंचा पाते। yes! अगर माइक है तो मेरी आवाज प्रॉपर जा रही है, माइक नहीं है तो मेरी आवाज कम जा रही है। तो मुझे बताइए मेरी वजह से डीजे वाला पैसा कमा रहा है या डीजे वाले की वजह से हम पैसे कमा रहे हैं? ये जानना। जिंदगी में हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो किसी और की वजह से कर रहे हैं। लाइट वाला हमारी वजह से कमा रहे हैं? नहीं, लाइट नहीं होगी तो भाई साहब नहीं चलेगा, एक दूसरे का चेहरा नहीं दिखेगा। एक बार लाइट जाने तो हमारे हालत क्या होती है? लाइट की वजह से हम लोग पैसे कमा रहे हैं। मोबाइल कंपनी वाला हमारी वजह से नहीं, मोबाइल कंपनी की वजह से हम पैसे कमा रहे हैं। तो आज के बाद जब भी आप काम करो तो इस ग्रेटिट्यूड के साथ काम करने के लिए तैयार रहना पड़ता। तैयार है दोस्तों? दूसरा कुछ वक्त बचा है और मुझे आपसे एक उम्मीद भी है और बड़ी